प्लेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आपकी सबकी दुआओं के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है। सेवकाई, परिवार, मिनिस्ट्री, बिल्कुल ब्लेस हैं। हम बहुत खुश हैं, ब्लेस हैं। तो आज करीबन अब रात का टाइम है, 2 बज चुके हैं। तो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ 15 तारीख को, जितनी भी चर्च के मेंबर हैं, जितने पास्टर्स नाल जुड़े हुए हैं। 15 तारीख को हम शोभा यात्रा कर रहे हैं फरीदकोट में। दिन को पूरे 11 बजे शोभा यात्रा स्टार्ट होगी। तो हम पूरे फरीदकोट में यीशु मसीह के जिंदा गवाह बन के जाएंगे। तो बाइबल भी कहती है कि तुम नगरों में जाओ, चेले बनाओ, पिंड पिंड जाओ, नगर जाओ, चेले बनाओ, तो मेरे गवाह बनो। हम यीशु मसीह के जिंदा गवाह बन के 15 तारीख को पूरे फरीदकोट के पूरे सड़कों के ऊपर यीशु मसीह की गवाही देंगे। तो आप हमारे साथ, जितने भी फरीदकोट के पिंड, आसपास के शहर, फिरोजपुर, मुक्तसर, बठिंडा, कोटकपुरा, आप सारे शहरों के जितने भी विश्वासी हैं, पास्टर्स हैं, मैं आप सबको इनवाइट करता हूं कि आप इस शोभा यात्रा में शामिल हों। तो हम मिलके जीसस क्राइस्ट के नाम को ऊंचा करें। तो पूरे दिन 15 तारीख को हम रोड के ऊपर जाकर यीशु मसीह की शोभा करें, उनकी बड़ियाई करें। हालेलुया। तो क्रिसमस का महीना है, खुशियों से इस महीने को मनाएं। जहाँ जहाँ भी शोभा यात्रा निकल रही है उसमें शामिल हो जाए। 25 तारीख को अपने अपनी चर्चों में, जहाँ भी आपको मीटिंग्स, आप चर्चों के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ जाकर मीटिंग अटेंड करें। जितनी भी हमारी मेंबरशिप है, गांधरा, फरीदकोट, बठिंडा, सारे आप शामिल हो जाएं। तो जितनी भी नेक्स्ट जो न्यू ब्रांचेस, कोटफतेह, मानसा रोड पे नवी ब्रांच ओपन हुई है, तलवंडी जल्लेखां नवी ब्रांच ओपन हुई है, जिसकी हर महीने मीटिंग होती है। ब्लेसिंग्स है सब, जितनी मेंबरशिप है, सारी मेंबरशिप 25 तारीख को पूरी तैयारी के साथ प्रभु की ग्रेस को रिसीव करें, मसीह को रिसीव करें। तो मेरा विश्वास है कि इस महीने बहुत सारे बंधन टूटेंगे, बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे, खुशियाँ मनाएं, गवाह बने। जितना भी आपको इस महीने आपको मौका मिल रहा है यीशु मसीह की गवाही देने का, उसका करार करने का, मतलब लोगों को बताने का। बाइबल में लिखा, जो मनुखों के सामने जाकर मेरा करार करेगा, मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने उसका करार करूंगा। जो मनुखों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने जाके उसका इनकार करूंगा। जगह जगह जाके गवाही दो। मौका है आपको, अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को, बहन भरा को, सबको इनवाइट करो क्रिसमस की मीटिंग में। रिश्तेदारों को इनवाइट करो, शोभा यात्रा के ऊपर इनवाइट करो। वो आएंगे लोग, परमेश्वर की ग्रेस को देखेंगे, पावर को देखेंगे, मसीह को देखेंगे, प्रभु के नाम को सुनेंगे, तो उनका जीवन बदलेगा। हमारे पास भी यीशु मसीह का नाम पहले नहीं था, 2008 से पहले जब यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन में आया, तो उसके नाम में इतनी ताकत है, जब उसका नाम लोगों के कानों में जाएगा तो लोगों की जिंदगियां बदलेंगी, 100% बदलेंगी, मेरा विश्वास है। ये काम आपने करना है। पास्टर का तो जो काम है ही है, पास्टर तो 24 घंटे उसका गवाह, हर रोज, हर संडे, हर मीटिंग में, हर जगह वो अपनी वो गवाही देता है, जीसस जीसस की गवाही देता है वो, कि यीशु मसीह जिंदा है। उनकी पावर को रिलीज करता है, फायर को रिलीज करता है, लोगों को यीशु मसीह के नाम से वो चंगा भी करता है, पास्टर से, यीशु मसीह के नाम से। आपको भी मौका मिल रहा है, पास्टर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं, आपको भी मौका मिल रहा है। जैसे शोभा यात्रा निकलेंगी, पोस्टर बनाओ, लोगों को दो। आप भी, आपको एक मौका मिल रहा है कि इस क्रिसमस के जो क्रिसमस मनाया जा रहा है, तो आप सारे अपनी फैमिलीज लोगों को इनवाइट करो, वो आएं शोभा यात्रा में, इनवाइट करो। आपको मौका मिल रहा है, अपने गलियों को, मोहल्लों में जाके प्रचार करो।
ओके, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रचार करो, आपका खुदा आपके साथ है। ओके, जब आप प्रचार करेंगे, रूहें बचाएंगे, एक भी रूह आपने बचा ली इस महीने, दो बचा ली, चार बचा ली, जितनी भी आप रूहें बचाएंगे, याद रखना आपका फल स्वर्ग में इतना है कि कभी ख़त्म नहीं होगा। दुनिया में जितना मर्जी इकट्ठा कर लो, ये सब ख़त्म हो जाएगा, पर रूह बचा ली आपने, किसी की ज़िंदगी बचा दी आपने, किसी के कानों में यीशु मसीह का नाम दे दिया, उसका नाम, जीसस का नाम किसी के घर चला गया, तो आपका नाम प्रभु हमेशा याद रखेगा, इस बात को याद रखना। तो इतना सुकून मिलता है रूहें बचा के, आप भी रूहें बचाएंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। ओके, क्योंकि जीसस शांति का राजकुमार है, आपके पास शांति आ गई, आप उस शांति को आगे रिलीज करो। ओके, क्योंकि वो शांति का राजकुमार आगे जाए, लोगों को जीवन में वो काम करे, लोगों तक उसका नाम पहुंचे, लोग उनको कबूल करें, तो लोगों की यहाँ जिंदगियाँ बदले। ओके, परमेश्वर आपको सबको ब्लेस करें। मैं 15 तारीख के लिए आपको इनवाइट करता हूँ। ओके, तो उसके बाद 25 तारीख के लिए हम आपको इनवाइट करते हैं, जितने चर्च के मेंबर्स हैं, हम मेंबरशिप है हमारी जितनी भी, उनको सबको हम कहते हैं कि सब अपनी फैमिलियों के साथ आना। तो जो जो बाकी अपने अपने चर्चों के साथ आप जुड़े हुए हैं, बिल्कुल आप अपने अपने चर्चों में जाकर अपने पास्टरों के साथ, अपने फादरों के साथ, अपने अगुए के साथ अपनी क्रिसमस को मनाना। ओके, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत प्यार, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, मेरी ये प्रार्थना है। ओके, आधी रात हो चुकी है, तो बहुत सुकून मिला आपसे बात करके, परमेश्वर आपको बरकत दे, गॉड ब्लेस यू। ओके, पूरा महीना आपका बरकत का रहे, खुशियों का रहे, फिर नवा साल तो पावरफुल, बहुत पावरफुल आए, मेरी मेरी दुआ है कि पूरा महीना, अगला साल पावरफुल होए, जितनी भी शैतान लाख कोशिश कर ले पर फिर भी वो अपने काम में कामयाब नहीं हो पाएगा, मेरा विश्वास है प्रभु के नाम से, शैतान की हर एक योजना फेल होगी, शैतान के हर एक प्लान नष्ट होंगे, शैतान के हर एक हथियार जो है निकम्मे हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। नवा साल आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आए, आशीष लेके आए, बरकत लेके आए, उन लोगों के लिए सब कुछ है, बरकत, खुशियाँ, जो आत्मा में खड़े हैं। जे आप गिर गए तो आपके लिए कुछ नहीं है, पर जे आप खड़े हैं तो आपके लिए नवा साल ब्लेसिंग का साल है। ओके, सदा के लिए ब्लेस रहना, सदा के लिए महिमा में बने रहना, स्तुतियाँ करते रहना, वडियाई करते रहना, बस बुराई नहीं करनी किसी की, पवित्रताई में रहना, सबके लिए प्रार्थना करो, बुराई नहीं करनी किसी की। ओके, किसी के खिलाफ नहीं बोलना, प्रार्थना करो, मेहनत करो, आपको कोई इंसान के अंदर कमी लग रही है तो उसके लिए गुप्त जाकर प्रार्थना करो, उसकी उसको डायरेक्ट टारगेट मत करो। ओके, हर दुखी मत करो किसी को, प्यार करो सबको, प्यार करो, कोई गलत है तो उसके लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर उसे बचाने आया, लिखा मैं मुजरम तुम्हें दोषी ठहराने नहीं आया हूँ, मैं बचाने आया हूँ, वो जगत को बचाने आया है, वो सबको प्यार करता है। हम किसी बंदे के खिलाफ बोल रहे हैं, वो बंदा, हमने उसके खिलाफ बोलकर अपने लिए पाप खड़ा कर लिया, वो बंदे ने रात को प्रार्थना कर ली, सुबह खुदा उसके साथ खड़ा हो गया, तो हमारा बोलना, तो हमने पाप कमा लिया, वो तो बच गया, हमने पाप कमा लिया, क्या फ़ायदा बोलने का, चुप रहना है, प्रार्थना करनी है, चुप रहो, किसी के खिलाफ मत बोलो, कोई गलत है तो जजमेंट मत करो, उसे दोषी मत ठहरा दो, उसके लिए प्रार्थना करो, तो परमेश्वर के ऊपर सौंप दो, खुदा न्याय करने वाला खुदा है, वो जो करेगा चंगा करेगा, सबके लिए प्रार्थना करो, प्यार करो। तो ये महीने जितना भी प्यार गैर लोगों में, हर जगह में, जहाँ भी गैर मजहब के कौम के जितने भी लोग हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, हर जगह जहाँ आप जहाँ भी मसीह के प्यार को फैलाओ, सबको एक साथ लेकर चलो। ओके, सबसे प्यार करो, सबके लिए प्रार्थना करो, सबके लिए सपोर्ट करो, गरीब लोगों की सपोर्ट करो इस महीने, जहाँ जहाँ भी आपको मौका मिल रहा है, गरीब लोगों की सपोर्ट करो, कपड़ा लेके दो गरीब लोगों को, जो भी लोग कपड़ा नहीं मैं ले सकते हैं उनके पास, वही पुराने कपड़े हैं, आपको लग रहा है कि 5 बंदे हैं, मैं उनको कपड़ा लेके दे सकता हूँ, तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, खाना दो लोगों को, कपड़ा दो लोगों को। ओके, हेल्प करो लोगों की, मदद करो ये महीना, तो उनको बताओ जब जा रहे हैं हेल्प करने कि भाई साहब हम वचन पूरा करने आ रहे हैं, कोई आपको लालच देने नहीं आ रहे, आप आना है, आना नहीं आना कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैटर नहीं है,
हम आपको लालच देने नहीं आए, हम अपने परमेश्वर का वचन पूरा करने आए हैं कि हमारे खुदा ने कहा गरीबों के ऊपर दया करोगे तुम यहोवा को उतार दोगे। खुदा आपको सबको बरकत देगा। ओके, परमेश्वर के नाम में बने रहो, बस एकता में रहो, तो मीटिंगा करो, शोभा यात्रा करो, क्रिसमस मनाओ, बड़े बड़े क्रूसड करो, बड़ी मीटिंग करो। खुदा आपके साथ है, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। ओके, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। फादर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता तेरे पवित्र नाम से, मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूँ, बरकत देता हूँ। तेरा दास होते हुए प्रभु इनके जीवन में हजारों खुशियाँ उतरें, हजारों बरकतें आए, हजारों चारे दिशा से प्रभु हर दरवाजा इनके लिए खुल जाए, मेरी प्रार्थना है प्रभु। जितने भी अटैक हैं वो कैंसिल हो जाए, मेरी प्रार्थना है प्रभु। शोभा यात्रा, क्रिसमस पूरी तरह प्रभु खुशियों से इनकी लाइफ में हो, नवा साल इनकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स बरकतें लेके आए, मेरी प्रार्थना है। मैं सबको तेरा दास होते हुए यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ, शैतान को रेस्ट करता हूँ, उसके ऊपर फायर को रिलीज करता हूँ। जो भी इस मैसेज को सुने, प्रार्थना को सुने, राइट नो वो हल्का हो जाए, उसकी बॉडी हल्की हो जाए, उसका शरीर हल्का हो जाए, तो हर एक दुख कष्ट बॉडी से, बोझ टेंशन दिमाग से, उससे वक्त आउट इन द नेम ऑफ जीसस, मेरी प्रार्थना। मैं ब्लेस करदा तुहानू यीशु मसीह दे नाम विच। आमीन।